हेलो सलाम नमस्ते एंड सत श्री अकाल। मैं हां थोड़ी होस्ट दोस्त मोनी गिल और मेरे नाल ने सत श्री अकाल नमस्कार अस्सलाम वालेकुम। मैं हां कुलदीप गिल ते तुसी देख रहे हो जस्ट चिल विद मिस्टर एंड मिसेस गिल। आज दा जेड़ा साडा सफर है ओ इंडिया राजधानी दिल्ली तो अमेरिका राजधानी वाशिंगटन तक लाइव होने लगा है जी। दो राजधानियां इकट्ठियां शामिल हो रही ने वाशिंगटन डीसी यूएसए च। देश विदेश जेड़े सानू देख रहे ने असी अज दा प्रोग्राम उर्दू हिंदी पंजाबी सब मिक्स कर रहे हैं क्योंकि वी आर हिंदुस्तानी। सो लो जी अज बहुत ज़्यादा टाइम ना लईए और जेड़े साडे अज दे गैस्ट ने सूफी ब्रदर्स हमसर हयात निजामी जी नू पूरी टीम नू असी वेलकम कर दिया माई टीवी ते। हेलो जी कैसे हैं आप सब लोग, सत श्री अकाल नमस्ते आदाब। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। रमजान बहुत बहुत मुबारक जी आप लोगों को भी, सबको रमजान की बहुत बहुत मुबारकें। और आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि ईद आ गई ऑलरेडी। कहते हैं माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं सभी के सभी। वो कहते हैं ना तुम की सबको तेरी ईद हो गई। क्या बात, ईद हो गई, अब चांद हो के ना हो मेरी ईद हो गई। क्या बात है। सो इसमें बताएं चांद ये है कि मैं हूं कि आप है, कौन चांद है कौन? लेकिन आप चांद आप चांद। क्या बात है। सो आपका जी बहुत बहुत स्वागत है माई टीवी पे। हम सर जी बिफोर हम स्टार्ट करें क्योंकि मुझे पता है कि आज का जो म्यूज़िक है, आज की जो शाम है या आज का जो दिन है, क्योंकि आपकी शाम है और मेरी सुबह है यूएसए में, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप पूरे ग्रुप को साथ में लेकर चलते हैं, तो कभी कभार ऐसा नहीं होता कि जितने सारे भाई और बच्चे साथ में हैं, और कभी जैसे बचपन में मैं लड़ा करती थी मेरी बहन पिंकी के साथ या सोनी के साथ, तो हम आपस में बात नहीं किया करते थे, कभी ऐसी सिचुएशन आई कि कभी आप एक दूसरे से नाराज हो गए हैं? दूसरा अलाप में जवाब दे रहा उसका। क्या बात है। सो ये क्वेश्चन पूछने का मतलब यही था कि वेरी मच नॉर्मल पर्सन है हम लोग। जैसे लोग सोचते हैं कि आर्टिस्ट ऐसा नहीं करते, आर्टिस्ट वैसा नहीं करते, हम सब लोग जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं वो बिल्कुल नॉर्मल है एज मच एज हमारी ऑडियंस। तो आप सभी भाई हैं या फैमिली कैसे? और इनसे छोटे बैठे और इनसे छोटे कायद कहते थे और मेरे जनाब अभी हयात निजामी और मेरे साथ तकरीबन 30 साल से जो मेरे साथ रेजर प्ले कर रहे हैं वो मेरे साथ कमरा भाई और सुंदर खान जो बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, बहुत अच्छे म्यूजिक अरेंजर भी हैं, बहुत अच्छे कंपोजर भी हैं और बहुत अच्छे हमारी जितनी भी टीम है और ये दौलत पे अजीम भी है, ये बहुत प्यारा बच्चा है और मेरे जो छोटे साहबजाद हैं शेख हयात निजामी साहब जो मुझे लाइव रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके सामने सारा अरेंजमेंट, तो ये सब टीम वर्क है। कहता ना कि अकेला आदमी तो खेला भी नहीं खेल सकता, उसके पीछे धक्का लगाने वाला था। सही बात है, ये बिल्कुल सही कहा आपने। आप सभी का स्वागत है। मैंने इतनी तारीफें सुनी हैं आपकी हमसर जी और सूफी ब्रदर्स आप सब की, क्योंकि ये टीम है। जब मैं आपका नाम ले रही हूँ तो इसका मतलब ये पूरी टीम के लिए ही बात कर रही हूँ, अकेले आपके लिए नहीं। बिल्कुल सही बात है और बड़ी प्राउड की बात है कि आप इस जमाने में भी पूरे ग्रुप को बच्चों के साथ भाइयों के साथ साथ में मिलकर लेकर चल रहे हैं। बड़ी हैट्स ऑफ टू यू गाइस। तो जैसे हम सर जी आपने कहा कि ये सब आपके साथ चलते हैं और आपके बैंड को धक्का लगाते हैं, तो क्यों ना आज की शाम को आप लोग सुरों के साथ धक्का लगाएं और इसको आगे लेके चलें। बिल्कुल बिल्कुल, और जितने भी सामने अगला जितने हमारे लोग हमें देख रहे हैं
माय टीवी पर, माय टीवी रेडियो पर, मैं उन सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, हनुमानी गिल और मिस्टर गिल साहब का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं सभी के सामने रूबरू हो सकूं। थैंक यू। नहीं, प्लेजर ही सर, प्लेजर ये हमारी खुशनसीबी है। सो इरशाद हो जाए। हाँ जी जी, आप इंशाल्लाह शुरू करता हूँ। और एक मेरी आपकी खुद की पर्सनल कंपोजिशन है, शायर मदाने अली, जैसे उस्ताद आदमी, और मेरे में एक आदत रही है कि मैं किसी ना किसी उस्ताद को सुन के अपनी क्रिएशन जरूर करता हूँ। अच्छी बात होना ठीक है, बहुत जरूरी। तो मैं पेश कर रहा हूँ एक हम मौला अली की शान में, ठीक है, उसके बाद जैसा इंशाल्लाह जैसा ऑडियंस आप चाहें इंशाल्लाह पेश इरशाद, ठीक है जी, ओके। Thank you.
Thank you.
कमाल लीजिए, मजा आ गया और मुझे लग रहा है कि हम लोग बैठे बैठे ही किसी सुफियाना जगह में चले गए हैं। मंदिर कह लो, गुरुद्वारा कह लो, मस्जिद कह लो, एक ही बात है, बहुत मजा आया। भाई मुझे नहीं पता था कि आपके साथ जो छोटा सा भाई बैठा है पतला सा, इसकी आवाज बहुत बुलंद है। समीर अच्छा, बीच बीच में आप इसके इसके बाल भी ठीक कर रहे थे, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। देखिए बाल गोपाल अगर अच्छे तो हाल अच्छे। बिल्कुल सही कहा आपने। ये खासियत है आपके ग्रुप में, स्पेशली आप में हमसर जी, कि बड़े स्टाइल आपने बड़ा ट्रेंड सेट किया सबके लिए। ये हाँ, मुझे बड़ा शुक्रगुजार हूँ पल्लव निगार का, भगवान का, श्री राम का, गुरु नानक का, उस बाकी बिहारी का, उस लाइफ का, गरीब नवाज का, मौला अली का, उस साईं का, कि उन्होंने मुझे चुना। मैंने किसी भगवान को चुना बड़ी बात नहीं है, किसी भगवान ने मुझे चुना, ये बड़ी बहुत अच्छा। ये सही बात है। तो ये आप कितने सालों से आपका घराना गाता आ रहा है इसे? वैसे तो हमारे खानदान में 807 से हमारी जो ये ख्याल गई थी हमारे खानदान से चली गई रे भाई। 807 से हमारे बहुत बड़ी बात है। और हमारे जो सिकंदराबाद जो घराना है तो यूपी में है, हमारे दादा परदादा सगर दादा, हमारे जितने भी पुश्तैनी है, हमारे जितने भी लोग, वो बेसिकली क्लासिकल से ही वाबस्ता है। क्या बात है। मतलब आज से मतलब हमारे डैडी हमारे वालिद बताते थे, तो कहते थे कि बेटा एक दिन में 150 तानपुरे खुलते थे सिकंदराबाद में। इतना बड़ा घराना है और अल्लाह का बड़ा भरोसा करा मैं कि हम महबूबे लाइन से भी उनकी भी बारगाह का गुलाम ने बुला, क्योंकि हमारा जितना भी घराना है वो सब उसी बारगाह का गुलाम है और उसी उसी दरगाह से वाला। हम निजामी है, पूरी दुनिया में निजामी नाम से पहचाना जाता है। हमारी पहचान हमारा ना कलाम है, ना हमारी तैयारी है, ना हमारी गायकी है, हमारे पीर की निस्बत है तो हम हमारी औकात। बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। फैन इसलिए भी हैं क्योंकि आप मेरी सिटी से हैं, दिल्ली से, तो दिल्ली वालों की एक स्पेशल दिल की दिल में एक जगह है दिल्ली वालों के लिए। क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ और ये बॉम्बे से हैं। कोई बात नहीं, ऐसा है ना, हम दिल्ली से ही बॉम्बे से हैं, तो हमने बॉम्बे को भी दिल्ली में बुला दिया, दिल्ली को मुंबई भेज दिया और दोनों जब मिल गए तो कहते ना नगमे अलग अलग है, तराना तो एक है। ये तो है, वो तो है, अलग अलग है तो एक ही ठिकाना। अल्लाह करेगा आगे भी एक ही ठिकाना रहे। तो समीर की अभी शादी तो नहीं हुई? अल्लाह का शुक्र। बहुत बहुत शुक्र है, शुक्र नहीं अल्लाह का करम है उसके ऊपर। अल्लाह भी इसमें मेहरबान। तो बाकी सभी भाइयों की शादी हो चुकी? अभी हम आपको छोड़ेंगे नहीं, अभी हम आपको पकड़ के रखेंगे, क्योंकि आप लोगों में इतना खजाना है कि आपकी वर्सेटैलिटी, ये आपका टैलेंट है, क्योंकि हर बंदा वर्सेटाइल नहीं हो सकता। आप में वो हर चीज है जो एक एक आर्टिस्ट में होनी चाहिए, जिसे ट्रू आर्टिस्ट हम कह सकते हैं। तो अभी आप ये बताइए, जो हमारे सुनने वाले, आपने कव्वाली से शुरू किया था, कव्वाली को गाने का एक अलग तरीका है, इसका एक अलग माहौल बन जाता है, और कोई किसी भी धर्म का हो उसको अपना अपना रब नजर आना शुरू हो जाता है, ये कव्वाली की ताकत है। तो आप ये बताएं कि आप सिर्फ कव्वाली ही गाते हैं? No, I said versatile. दिल साहब आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं कव्वाली ही नहीं गाता, मैं कव्वाली को हर तरह से गाता हूँ। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छे। देखिए कव्वाली का मतलब है या तो किसी को अपने रंग में रंग दो या किसी के रंग में रंग जाओ। ये बात सही है, बिल्कुल सही। कव्वाली का बयान, यानी अल्लाह ने क्या फरमाया, गुरु नानक ने क्या फरमाया, श्री राम ने क्या फरमाया, श्री कृष्ण ने क्या फरमाया, गरीब नवाज ने क्या फरमाया, अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, ये कव्वाली है। कव्वाली का लेकिन जी, आप कव्वाली से तो मुझे एक और चीज याद आई, आपने फिल्मों में भी कव्वाली गाई है
और वो भी मेरा फेवरेट संजय दत्त की मूवी में आपकी कव्वाली बहुत ही फेमस रही, तो तो ये लंबे बाल आपने संजय दत्त को देख के रखे थे या पहले से ही थे? हाँ, ये आप कह सकते ये आप कह सकते हैं। देखिए, एक कहावत है ना कि मैंने अभी क्या कहा जाता है, किसी के रंग में रंग जाओ, किसी को अपने रंग में रंग। वाह जी वाह। मैंने सोचा अगर बॉलीवुड वाले संजय दत्त की बालों की नकल कर सकते हैं तो क्यों ना मैं कोई ऐसा ट्रेन लाऊं जो सिंगर है वो मेरे बालों की नकल कर। वाह जी सही वाह। बात है। और आपके बाल है भी बड़े खूबसूरत कि अभी तक आपके सर को चमकाया हुआ है उन्होंने। अभी हमारा सलामत है, बहुत गर्व परवाने का। अभी हमारा चांद, अभी हमारे जो चांद और बंदे को छुपा हुआ है। एक्चुअली आप क्या खाते हैं, जरा पीछे ढोलकी वाले साहब को भी खिला दिया करें तो उनके भी बाल बुल आ जाएं। और आपको मैं बता दूं, मैं इंट्रोड्यूस करा दूं, ये मेरे बड़े बहन साहब है, मेरी अच्छा अच्छा बड़ी बहन है, उनकी हस्बैंड नहीं है। और अच्छा। जो इधर बैठे बात देखिए कि एक साथ दो चांद बड़े धनी साहब को क्या बात सुन रहे हैं, ये भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और पूरी दुनिया घूम चुके हैं, लेकिन ये उनकी मोहब्बत है जिनका बड़पन है, ये मेरे साथ आज आपकी मोहब्बत में आए। क्या बात, मैं बहुत शुक्रगुजार। तो अभी आपने संजय दत्त की बात की तो इसने कहा कि आप बॉलीवुड में जो कव्वाली गाई तो क्यों ना आप हमें दर्शकों को नमूना वो ही दे सिखा। थोड़ा सा उसका भी। उतर सकता हूँ नाम लेकर तेरा, कुछ भी कह सकता हूँ आज सजदे की लाज रख ले वरना मैं बंदगी की हद से सकता हूँ। अली 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 Thank you.
गाना और माइक पे गाना बहुत आसान जी, उसके बाद पर आवाज बच जाती है, लेकिन जब वो बची थी एक बहुत खत जाती है। सही बात है। मज़ा आ गया। और मुझे तो लगता है कि आप संजय दत्त से इंस्पायर्ड नहीं हुए, संजय दत्त आपसे इंस्पायर्ड हो गए होंगे ये सुनकर। आप आपने तो ऐसे कर दिया कि कमाल। वो कहते हैं ना कि हर ख्वाहिश, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले दिल के अरमां फिर भी कम निकले। कमाल, क्या समा बांधा आपने सर। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, क्योंकि ग्रुप में गाना बहुत बहुत मुश्किल होता है, ग्रुप में गाना, क्योंकि हर एक की आवाज़ का टेक्सचर अलग है, गायकी अलग है। और
मुझे एक्चुअली आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, मैं आपको दोबारा दोबारा कॉल लगा रही हूँ। सैफ आपके नज़दीक में ही है? मेरे पास में आपका आवाज़ नहीं आ रही भाई? अभी अभी आनी शुरू हुई है, क्योंकि क्योंकि देखें जो हमारी ऑडियंस हमें देश विदेश में देख रही है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस कोरोना को हम लोग कैसे पॉजिटिव वे में लेकर आएं, और जो हमें रब ने दिया है, गॉड ने दिया है दिमाग दिया, तो उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। और हम इंडिया में बैठे इस वक्त दिल्ली में बैठे हैं हम सर जी अपने भाइयों के साथ, अपने परिवार के साथ, और हम लोग देश विदेश में इस प्रोग्राम को देख रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से। सो ये जो टेक्नोलॉजी है हम लोगों को पास भी लेकर आई है। इसका बहुत सारे लोग कहते हैं कि मिसयूज़ होता है, पर मुझे ऐसा लगता है ये हमें और करीब लेकर आई है, क्योंकि जहाँ मर्जी बैठकर हम जहाँ मर्जी किसी भी रिश्तेदार को, किसी भी आर्टिस्ट को सुन सकते हैं। बिल्कुल, देखिए मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ऑडियंस मुझे देख रही है। देखिए किसी चीज को किसी चीज का मतलब नहीं होता, उसका अलग इस्तेमाल। अगर हम किसी चीज को सही कहते, जैसे हम लोग नेचर से खेलने लगे ना, तो उस नेचर में हम सबके सिग्नेचर गायब करते हैं। क्या बात है। सही बात है, सच्चाई है। मैं आपको शेयर सुनाना चाहूंगा इसी मुताबिक में जो कोरोना है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आदत बाबा बुल्ले शाह जी ने फरमाया है कि वो कहते हैं कि रात की जागरण शेख सदावन से रात की जागरण टूटते। वाह क्या बात। यार कदर यार कदर में कभी नहीं छटना, मारो सौ सौ जूते, चल बोलिया चल यार बना, नहीं तो बाजी ले गए कुत्ते। क्या बात है, सही बात है। तो और एक्चुअली मेरा ये मानना है कि कुत्ता बनना बहुत आसान है, वफा करना है किसी और का काम। ये बात है, सही बात है। तो जी बहुत बहुत मज़ा भी आ रहा है मुझे। अब मैं लालची हो रही हूँ, मैं सोच रही हूँ अभी आपसे नेक्स्ट क्या सुनूँ। वैसे अगर बात की जाए तो आपकी फेवरेट गायकी में सबसे ज़्यादा क्या है, गज़ल है या कवाली है, भजन है, क्योंकि आप तो वर्सटाइल हैं। मेरी फेवरेट, मेरा राग मार्गरेट है, कंपोजिशन की थी, तकरीबन आज से 25 साल पहले। तुम्हारे चश्मे करम हो तो काम हो जाए, आधा से देख लो किस्सा तमाम हो जाए। तुम्हारे तत्व में करता हूँ इसलिए सजदे, न जाने कौन से सजदे में काम। क्या बात है, क्या बात है, बहुत जबरदस्त। वो मैं चाहता हूँ आप उसको सुने, इंशाल्लाह आपकी रूह ताजा हो जाएगी। और ये मेरा वादा है आपसे कि जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं उनको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि जितने भी लोग, जैसे आपको पता है कि जो आर्टिस्ट लाइन होती है वो बड़ा जज्बाती होते हैं जी। ऐसे होते कि अगर सामने वाला झूठ भी बोला तो सच मान ले, ये आर्टिस्ट की खूबी है। ये तो है आगे साहब, आप भी माशाल्लाह आर्टिस्ट हैं, मतलब आपके शागिर्द हैं। और मोनी आप खानदानी है, आपके वालिद साहब, आपकी फैमिली क्लासिकल से वाबस्ता है जी। तो आप सभी लोग इस बात को समझ। तो मैंने एक शेर कहा था तबले के, एक शेर नजर करो तबले के लिए आप अपना, तो आप ये शेर सुनने का मजा आ जाएगा। ये शेर क्या है कि फर्क है दुनिया से बाहर है और दुनिया से हम। जी पूरी आवाज आ रही है, कोशिश कर रहे हैं कि दिल साहब उसको हजम कर पाए। क्योंकि आज तक मैंने तबले पे शेर सुना ही नहीं था। हाँ ये बहुत तबले साहब ने शेर सुना, सारे की तो सुनाऊंगा, आप लोग सबको सुना, लेकिन तबले में पहली बार शेर सुना रहा हूँ। तबले में मैंने आज पहली बार ही शेर सुना है। सही बात है, फर्क है दुनिया से बाहर है अगर दुनिया से हम, तार की गिनती से बाहर जिस तरह रूपक का सब। क्या बात है, ये जी तबले को बजाते हैं और मेरा काम है इनको बजाना। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी क्योंकि सिग्नल काफी वीक सा लग रहा है मुझे, कि सैफ अगर नजदीक ही है कैमरा के तो मैं आपको कॉल दोबारा लगा रही हूँ इसी पे ही। जी हम लोग विदेश में बैठकर आप लोगों का लाइव प्रोग्राम पूरी ऑडियंस को दिखा रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। बात है सर, अपना टीवी आगे मैं फिर से कॉल लगा रही हूँ आपको। और मीन वाइल जो हमारे जो ऑडियंस है वो मीन टाइम कुलदीप गिल की एडवर्टाइज एंजॉय करे, क्योंकि हम आपको दोबारा कॉल लगा रहे हैं सर।
Hi, my name is Kuldeep Gill. I'm broker of Sky Realty. The reason we are so successful because client trust us. I've been doing this my whole life. My team is my wife, my office manager, and my agents. We look forward to earn your business and we do speak your language. Thank you. Hello. So, लो जी अभी हम वापस लाइव में वापस जा रहे हैं और हमारे जो सैफ हैं नो प्रॉब्लम हम लोग लाइव हैं और बिल्कुल सही है परफेक्ट पहले आप धुंधले धुंधले से नजर आने शुरू हो गए थे मैंने बोला फिर आपको दोबारा लाइव में लेके आया था इसलिए हमने कॉल कट कर दी थी तो अब कुछ बोले सर सैफ जी कैमरे में सभी को ले आए या परफेक्ट परफेक्ट ऑसम यू गाइस आर लुकिंग ऑसम सो अभी कुछ हो जाए बहुत से लोग आपको कमेंट दे रहे हैं अमृता हयात निजामी जी कह रही आप रियल सूफी किंग हैं आप हिंदुस्तान की शान हैं अमृता जी बहुत बहुत मेहरबानी राघव सिकरी लिख रहे साई राम गुरु जी और बहुत लोग आपको देख रहे हैं सर मुझे ढेर सारे मैसेजेस आ रहे हैं ढेर सारे थैंक यू इतने सारे हार्ट भेज रहे हैं लोग इतने मैसेज मैं पढ़ नहीं पाऊंगा तो हम लोग मैसेजेस आप इतने लोगों के दिलों में छाए हुए सारे भाई ये आपको पता भी नहीं होगा शायद तो अब मैं चाहती हूँ अभी आप और दिल में उतर जाएं और दिमाग में छा जाएं अब कोई ऐसी कोई बात सुनाएं जो आपके दिल के बहुत करीब हो जी हाँ जी परफेक्ट इससे पहले मुख्तसर शॉर्ट शॉर्ट सुना दूं क्योंकि कपाली का आपको पता है जब सुरूर बन जाता है तो या तो जान ले लेता है या मर जाता है सही बात है वाह जी वाह सजदे में न हिंदू न मुसलमान चाहिए क्या बात बहुत अच्छा शाबाश Yeah.
Thank you.
कि मैं किताब देख के नहीं गाता हूँ, परमात्मा की किताब देख के गाता हूँ। श्योर ईशान, ईशान
नहीं जी, संगीत का कैसा मतलब है कि जहाँ पर सब लोग आके एक ही सब में खड़े हो गए, महमूद आया, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा ना रहा। क्या बात, क्या बात, आदि क्षेत्रीय ना। मैंने भी एक शेर कहा था, कोई नाच का शेर है कि सजते से अब देखिए दो हाथ, मैं आपको दुआ दे रहा हूँ। थैंक यू आपको दुआ दे रहा हूँ, आपको भी जो लोग देख रहे हैं उनको भी, और आप मुझे राम राम कर रहे हैं। दोनों हाथों का इस्तेमाल देकर जो नाचिस ने शेर कहा है कि सभी देश है माला फिरा कर तू जब आई ना गया मलिक
Thank you.
आपने एक शेर है मेरा, आप कभी रियलिटी शो में देखना, वो शेर कि मौत की जिंदल है, वो मेरे से पढ़ती है, मेरा ही शेर है, मेरे को सुना है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप देख ले रियलिटी शो में जी, वो शेर है मेरा, इसी उम्मीद बहुत सारे डाल रही है, हार्ट्स भेज रही है और क्या बताएं, बहुत ही कमाल। हमने एक शेर भी एनालिसिस का है, मैं दो शेर सुना रहा हूं ऑडियंस को जगाने के लिए जी। एक, हमें कोरोना से डर नहीं है, हमें डर है आगे कुछ और होना। कोरोना को जानेंगे जिस दिन हम सच्चे दिल से एक पाप की औलाद बन गए ना, ये कोरोना खुद का खुद बन जाएगा। सबका मालिक एक है, एक है सबका मालिक, एक है एक है। एक शेर में इसलिए कह रहा हूँ, ये शेर सुनिएगा, क्या क्या कहते हैं, I'm not going to do it.
क्या बात है। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है?
मौत से आग मिलाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा कातिल है, सबको मालूम है बाहर की हवा कातिल है, तुमको कातिल समझने की जरूरत मैं कह रहा हूँ कि कोरोना को ना यारो खेल समझो, कोरोना को ना यारो खेल समझो। तुम्हें क्या कोई समझाता नहीं है? कोरोना को ना यारो खेल समझो, तुम्हें क्या कोई समझाता नहीं है? तुम्हें क्या कोई समझाता नहीं है? तुम्हारे घर में दरवाजा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाजा नहीं है। पिंकी पारस, थैंक यू पिंकी, थैंक्स अ लॉट। तो मैं पिंकी इसके तरफ कर रहा हूँ, हाथों का आपकी तरफ से जी शिफ्ट किया यहाँ पे ही।
हाँ जी, हाँ जी सर। क्या बात है, क्या बात है, मज़ा आ गया। हालांकि हम लोग इतनी दूर से बैठकर एक दूसरे के साथ हम लोग रابطہ कर रहे हैं इंटरनेट के ज़रिए, और आपको मेरी आवाज़ सही सुनाई दे रही है? अभी आवाज़ नहीं आ रही, मुझे लगता है 15-20 मिनट के बाद बेचारा इंटरनेट भी परेशान हो जाता है इतनी हैवी गायकी सुनकर। जी बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लग रहा है। क्या बात है, बहुत मजा भी आ रहा है, और हालांकि आवाज बड़ी गूंजती गूंजती भी सुनाई दे रही है, क्योंकि सबकी ऑफकोर्स सबकी आवाज आ रही है, और बड़ा मुश्किल होता है कोरोना की वजह से। ना हमारे पास स्टाफ है जी, हम लोग खुद ही कर रहे हैं कोशिश कि घर में बैठकर जितना, जैसे उन्होंने कहा कोरोना को जबरदस्ती अपने सर पे मत लो भाई, तो बाहर मत निकलें और ना ही लोगों को इकट्ठा करें। तो सेम थिंग ये लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं, तो मैं इनको, क्योंकि बार बार हम लोग फ्रीज हो रहे हैं, तो मैं दोबारा कॉल लगाती हूँ आपको हमसर जी। बाद 15 मिनट के बाद इसको कुछ हो जाता है तो मैं कॉल आपको दोबारा लगा रही हूँ जी। सो लो जी, मीन टाइम जिहड़ी साडी ऑडियंस है उन्हों असी दस दिए जी, असी लाइव कर रहे हैं, और कोशिश यही है कि घर बैठ के बिना किसी ट्रबल दे, बिना किसी स्टाफ दे कोशिश कर रहे हैं। जिवें साडे कोल इत्थे स्टाफ नहीं हैगा, इंज ही दिल्ली च जिहड़े साडे गेस्ट ने उन्हां कोल भी स्टाफ नहीं हैगा, कवाल ने, म्यूजिशियन ने, टेक्निकल गाय नहीं हैगे, बट जो भी उन्हां दा कैमरामैन, उन्हां दा बेटा, दे आर डूइंग गुड जॉब। ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ ਨਾ ਸਿਗਨਲ, ਉਹ 15-20 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗਰਮ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਗਰਮ ਕਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਗਾਇਸ। जी हाँ जी, वेलकम जी। मुझे लगता है ये 15-20 मिनट के बाद बेचारा गर्म हो जाता है फोन या इंटरनेट, आपकी आवाज सुन के। सैफू जी, ठीक है सर, आपने तो ऐसा माहौल बना दिया कि अच्छा, कोशिश यही है कि आवाज अच्छी से अच्छी आ सके, लेकिन जैसा कि बताया कि स्टाफ उनके पास भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं है, तो कोशिश ये है कि जो हमारे पास बेस्ट अवेलेबल है वो सब आपके सामने, हमारी ऑडियंस के सामने लेकर आए। आज जो हमने सुना यहाँ पे, तो मुझे ऐसे नहीं लगता कि जब तक आप जैसे सिंगर, आप जैसे घराने हिंदुस्तान में या जहाँ जहाँ भी है, कवाली कभी कभी कहीं जा भी सकती संगीत से, आपने तो मतलब कि इस धरोहर को जो संभाल के रखा है, हम सजदा करते हैं आप जैसे लोगों को, और आगे अपने अपने बच्चों को पास ऑन किया, अपने भाइयों को पास ऑन किया है, ये बहुत बड़ी बात है, सबको साथ लेकर जा। जो आपने टीम बनाई ना, टीम, और आपकी टीम की तरफ से और आपके स्टाफ की तरफ से, आपकी टीम करते हैं इतना प्यार भरा पेश करते हैं, उन सबको हमारी पूरी टीम की तरफ से हमारा सजदा। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत मेहरबानी। और एक बार फिर, ये तो सिर्फ ये शुरुआत है, माई टीवी म्यूजिक लवर्स का दीवाना है माई टीवी। आपको पंजाब का एक सिंगर है बहुत अच्छे, दिलजान, शायद नाम सुनूंगा, उसने भी आपको लिखा है कि कमाल के सिंगर आप माई टीवी लेके आते हैं, तो उन्होंने वो भी आपको वॉच कर रहे हैं, उन्होंने भी कमेंट लिखा आपको, और आप जैसे लोगों को सुनने के बाद आज हमारे पास लफ्ज नहीं है कि हम आपको किस लफ्जों से तारीफ करें हम आप लोगों की। मुझे तो ऐसे लगता है कि हम आपके सामने बैठे हैं और आप सामने गा रहे हैं हमारे, और राम, अल्लाह, सिख, ईसाई, हर जगह के हमें आप दर्शन करा रहे हैं, बस घुमा घुमा के।
और मैं आपको चाहूंगा कि कव्वाली तो आपने बहुत सुनी है, अच्छा काल कव्वाली है, तो मैं चाहूंगा कि आज कव्वाल से आप जरूर शब्द गुरबाणी बने, शब्द गुरबाणी का जो एक स्ट्रक्चर है, जो फील है, जैसे हमारे यहाँ नात मनकबत मौला की शान में गाया जाता है, तो अक्सर लोग समझते हैं कि कव्वाल सिर्फ कव्वाली का है, ऐसा नहीं है। लेकिन नुसरत साहब के नकल करना बहुत आसान है, नुसरत साहब जैसा किरदार लाना मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। बिल्कुल सही, नकल तो दुनिया में पैदा हो जाती है, लेकिन जो नुसरत साहब की जो एक फील थी, जो अंदर से उनके जज्बात जी जज्बात थे, आज पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया नुसरत साहब को फॉलो कर रही है, वो इसलिए नहीं कि वो फनकार बहुत अच्छे थे, इसलिए उनकी सोच बहुत अच्छी जी। बिल्कुल सही, और दुनिया को अगर जीतना है ना तो फनकार तो रोज पैदा होते हैं, लेकिन अच्छी सोच वाले लोग बड़ी मुश्किल से पैदा होते हैं। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। सही बात की सर आपने, तो मैं चाहूंगा कि क्योंकि अभी हमने मौला अली की शान पढ़ी, क्योंकि अभी टोक्यो की सब हमारी इधर उधर है, तो गुस्ताखी माफ, क्योंकि लॉकडाउन है तो सब चीजें बंद पड़ी है और उनका धूल जमे भी, मैं बिना पट्टा बांधे बिना टोपी पहने नहीं लाता, लेकिन आज हम भी यही सोचते हैं कि बस रब राजी हो जाए, और मैं ये कोशिश करता हूं कि अगर किसी बार टोपी है एक टोपी से काम चला लीजिए और को माफ कीजिए, शब्द गुरबानी में और नाते पाक में हमारे जो सुनने वाले लोग हैं उनको भी पता है इस बात का, आपको इस बात का एहसास है कि नंगे सिर शब्द नहीं पढ़ना चाहिए, यही बहुत है सर। ये एहसास नहीं है, ये अंदर के जज्बात है, क्योंकि इंसान एहसास तो कभी कभी होता है लेकिन जज्बात तो मरते दम तक रहता है। सही बात है, ये जज्बात है, और आप भी समझ रहे जी, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो अवेलेबल है हमारे पास, क्योंकि ये हम लोग लाइव कर रहे हैं और हमें भी नहीं पता था कि आप इतना कुछ सुनाएंगे हमें। मैं तो देखिए मैं सुना नहीं रहा मैं सबके हक में दुआ कर रहा हूं जी, मैं सबके हक में दुआ कर रहा हूं, और जो लोग मुझे देख रहे हैं अगर उनमें से एक ने भी दुआ कर दी अपने दुश्मन के लिए भी, तो आप यकीन करें अल्लाह उसका दोस्त बन जाए। सही बात है, लेकिन मैंने एक बात कही कि अल्लाह तूने मुझे शायद इसी काम के लिए पैदा किया था, तो मैं तेरी बात को झुठला नहीं सकता, अगर तूने मुझे इसलिए पैदा किया तो मैं तेरा काम करूंगा और मरते दम तक करता। क्या बात है, मैं तुझे झुठला साईं बाबा के भजन में, क्योंकि मैं तकरीबन 5 साल 4 साल की उम्र से गाता हूँ, और मेरी फर्स्ट परफॉर्म अमिताभ बच्चन साहब के सामने हुई थी, बहुत बड़ी बात है, अकबर होटल में, ये दिल्ली में सबसे पहला होटल था 5 स्टार अकबर होटल, उसमें मैं अपने फादर के साथ गाया था, और वो गाना भी कौन सा था मैं आपको बता दूं, ये वो गाना था पर्दा है पर्दा, रणवीर साहब का, तो मेरे को अपनी याद है, यादों में ही जिंदा रहता जी। तो अब जो मैं आपको सुना शब्द गुरबाणी आप स्वागत फरमाए, उसके बाद मैं आपको भर दो झोली भी सुनाऊ, और साईं का भजन भी सुनाऊंगा, और एक रात है एक मेरा भी सुना। सर आप ही का टीवी है, आप ही का समय है, जो दिल करे सुनाए। मुख्तसर वक्त में मौत पर बात होगी, मुख्तसर वक्त में मौत पर बात होगी, खुदा ने अगर चाया वहां अमेरिका में भी आपसे बोला था। जरूर जरूर होगी सर, बिल्कुल बिल्कुल, इंतजार करेंगे आपका। कहा तुझे
Come on.
ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਭਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਲਓ, ਈਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਲਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੋਰੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਅਮੇਰਿਕਾ ਆਕਰ ਹਮ ਲੋਕ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਹੂੰ ਮੈਂ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਬੜੀ ਫਰਾਟੇ ਸੇ ਬੋਲਤੀ ਥੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਬ ਆਜ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕਰ ਯਹਾਂ ਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਮਿਸਟਰ ਗਿੱਲ ਹੀ ਹੋਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਪੇ, ਤੋ ਇਨਕੇ ਸਾਥ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮੁਝੇ ਲਗਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਬੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮ ਆਪਣੀ ਪਰਦੇਸ ਮੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾ ਭੁਲੇ, ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਸੇ ਹਮ ਆਏ ਹੈ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਕੇ ਸਾਥ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਮੁਝੇ ਬਤਾਈ ਕੈਮਰਾ ਕੇ ਪੀਛੇ ਅਭੀ ਵੀ ਸੈਫ ਜੀ ਹੈ, ਸੈਫ ਜੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕੈਮਰਾ ਕੇ ਪੀਛੇ ਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹੈ? ਚਲੋ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੇਬੀ جتنے بھی قوم کے لوگ ہیں وہ سب کو ساتھ لے کے چلے اسے صوفی کا جی۔ اور اگر ہو سکے تو کیمرہ میں ضرور چاہوں گی تھوڑا سا آپ کے نزدیک آ جائے، چاہے اس میں مجھے پتا کہ تھوڑے تھوڑے لوگ اس میں کٹیں گے، کیونکہ آواز تھوڑی سی اور کلیئر آ جائے گی، کیونکہ ابھی کیمرہ دور رکھا ہے تاکہ سب کے سب آگے جی۔ ہاں نہیں نہیں آپ آ جائیں، باقی سب بھی آ رہے ہیں پیچھے ہمارا کورونا سے صحیح بات ہے، پرفیکٹ ابھی 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 تھوڑی مچ بیٹر ہے، تو ہو جائے بھر دو جھولی جی۔ Wow.
Thank you.
Thank you.
सिकंदराबाद घराने के वाली साहब, मेरे वाली साहब जी, साथ है अलावे के सुना लो समझ लो भाई क्या कहते हैं। है अहद, है अहद और है एक अहमद, है अहद और है एक अहमद, तुम्हें काम वही है मुझे तो लग रहा है कि जी ये देखो जी इंटरनेट पे हम लोग बात कर रहे हैं और थैंक यू टू इंडिया इंटरनेट अभी तक हम लोग बरकरार हैं। इसमें मोदी साहब का शुक्रिया करना चाहिए हमें। मुझे डर लग रहा था कितने लंबे लंबे हम लोग प्रोग्राम करते हैं कि इंटरनेट बरकरार रहे, तो थैंक गॉड इतनी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं आई है, टचवुड अच्छा रहा प्रोग्राम। मैं क्योंकि वक्त आपका बहुत जरूरी है, जो लोग देख रहे हैं इस सेशन के जरिए ये जो महफिल हो रही है, इसे ये ना समझे कि हम एक समुदाय के लिए गा रहे हैं, हम हर दिन के लिए गा रहे हैं। सही बात है। अब हम आपके सामने पेश कर रहे हैं एक भजन, एक राधा एक जो मेरा बहुत पॉपुलर है, फिल्म राम तेरी गंगा बेली से, और इसको लोग सुनते थे लेकिन कभी लोगों ने स्टेज पे बहुत कम परफॉर्म किया, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है उस परवरदिगार का। जब से मैंने परफॉर्म करना शुरू किया आपकी दुआ से, अल्लाह की तरफ से, अच्छा रहा। ये काफी लोग इसे उनको याद हो गया, तो ये मेरे लिए बड़ी बात, तो मैं पेश कर रहा हूँ। इसके बाद एड करेंगे हम तेरी रहमतों के जरिए से जी। जो हमारा 450 मिलियन पार कर चुका है,
क्या बात है, 450 मिलियन। और एक गाना है मेरा इश्क का राजा। हाँ जी, एक्चुअली लोगों की सोच ये बन गई कि वो कव्वाल है, लफ्ज कव्वाल, उसने कव्वाली गाता है। ये बात सही है। तो मैंने उनको ये बताया कि फनकार वो गा सकता है जो तुम सोच नहीं सकते। बिल्कुल सही जनाब जी। तो मैंने ये साबित किया अल्लाह के करम से, साईं बाबा के करम से, और मैं साईं का भजन सुनाऊंगी आज, जितना भी नाम मिला शोहरत है उसमें सभी रिलीजन का हाथ है, लेकिन मेरी सरपरस्ती में अगर किसी का हाथ है वो मेरे साईं का जी। ठीक है जी, साईं का। तो मैं ये बताना चाहूंगा मेरा गाना है इश्क का राजा, जो तकरीबन मैंने आज से 14-15 साल तकरीबन हो गया। तो ये गाना मैंने ऐसे ही, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े सेलिब्रिटी है, अगर मैं नाम लूंगा लोग सोचेंगे कि मैं उनका नाम से अपने आप को हाईलाइट कर रहा हूं। नहीं, ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, वो बहुत बड़े आर्टिस्ट है। और चलिए मैं आके ना तो नाम लेता हूँ, उनका नाम तो नहीं था, उनकी पहचान है यो यो। तो किसी ने, हमने ऐसी ओखला में दस्ते रिंग उनका स्टूडियो था लीज पे, तो उन्होंने किसी पंजाबी गाने के लिए मुझे बुलाया, और वो पंजाबी गाना किसी सीरियल का था, तो उन्होंने कहा पंजाबी गा सकते हैं। मैंने कहा मेरे भाई सुनिए, अगर पंजाबी फारसी गा सकते हैं सही बात है, फारसी गाने वाले पंजाबी क्यों नहीं गा सकते। सही बात है। तो एक्चुअली दुनिया है, हर तरह के लोग हैं, कहते हैं इंसान की उम्र खत्म हो जाती है, तालीम का भी खत्म नहीं होती। बिल्कुल सही कहा आपने, असल में सुर तो साथ ही है ना, चाहे किसी भी भाषा में गा लो। क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मेरा वहां पर गाना जब रिकॉर्ड कर दिया मैंने, तो वो मजाक उड़ाने लगे कि यार तो भजन गा सकते हैं, कव्वाली गा सकते हैं, ये तो गा नहीं सकते हैं। और वो मैंने कहा जी मुझसे कहने में भी आप नहीं कर सकते, बेटा हम कितने से इतने बड़े हो गए, हमने आर डी बर्मन साहब को सुना है, एस डी बर्मन साहब को सुना, जिन्होंने ये रिदम आज से कई साल पहले जी आप पैदा हुए तब निकाल दिए, समझे। सही बात है। तो बात चलती रही, मुख्तसर बात यही कि उन्होंने मुझे रिदम दिया, मैंने वही पे गाना कंपोज किया, जाम हाथों से मैं टोपी डाल दूं। हां ला दो जी, टोपी की तोहफी होगी। हां जी, छलकने न दूंगा, ये ओरिजिनल मेरा है जी, कंपोज मेरे लिखा मैंने। हरी जमातों से छलकने न दूंगा, रात की बातें किसी से कहूंगा, आदत अच्छी
ये सच्चाई है, हिंदुस्तान का संगीत जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहेगा। हाँ बिल्कुल रहेगा। हम सच कोई दीवाना नहीं है, जाना है तूने जाना नहीं है। हम सच कोई दीवाना नहीं है, जाना है तूने जाना नहीं है। अब तेरी आस नहीं में ये कैसा नशा है, तू जाना है मेरी तू मेरी जुबा है। कल देखते छुटते थे अब देख आपके तो नाम में ही सर है। आपके नाम में मैंने सर कहा है। आपके नाम में ही सर है। हम सर, सर मतलब के सबका बाप, सबका सर और वो भी हम के साथ सर। अच्छा मेरा एक गाना हो रहा है, मैं चाहूंगा कि आपके वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचे। ये भी कंपोज मेरी है, लिखा मैंने है, लेकिन जो म्यूजिक दिया है वो मेरे छोटे भाई सुंदर खान ने इसमें क्या बात किया है। और मैंने इश्क का राजा का पार्ट टू बनाया है, लेकिन जो सीखे हुए लोग होते ना उनको दूसरों से मांगने की जरूरत नहीं होती, उनके पास खुद के पास टाइम होता है कि वो बात बात करते हैं, फिर खत्म नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। जो भी लोग वाशिंगटन डीसी में देख रहे हैं, अमेरिका में, लंदन में, जहां भी देख रहे हैं, जहां भी जाता है पूरे वर्ल्ड में, उन सभी को बता दूं कि आजकल चोरी का दौर है, इधर आप बैठिए कोई भी चुरा के गा जाता है, कहता है कि मेरा गाना है। जी सही बात है, आपको पता है। तो कई सारे गाने लोगों ने मेरा चुरा चुरा के यूट्यूब से काफी नोट कमा लिया, लेकिन अब कोरोना ने समझा दिया कि इतना जरूर करो ना, वरना घर के बाहर खड़ा रहूंगा मैं कोरोना। यही करना पड़ेगा। तो वो मैं सुना रहा आपको दो बोल सुनिए। इश्क तूने हद कर दी, मेरी रातों को नींद चुराती है, मेरे दिल में आग लगाती है, हुस्न की रंग मेरी दिल पर जली। आए आए सुन हुस्न की रंग मेरे दिल पर जली, तूने मुश्किल ये क्या कर दी। इश्क तूने हद कर दी, इश्क तूने हद कर दी, चटाता है रुलाता है चलाता है अपनी मर्जी। इश्क तूने हद कर दी, इश्क तूने हद कर दी, चटाता है रुलाता है चलाता है अपनी मर्जी। ये मैंने आपको सुना है, आपको दुख रहा है, अगर कोई और सुनाऊंगा
ठीक है जी, ठीक है जी। अभी भी आ रही है क्योंकि हमारे तो हेडफोन लगे हुए हैं तो हमें तो परफेक्ट आवाज आ रही है, थोड़ी सी शायद ऑडियंस को भी हेडफोन लगा के सुनना पड़ेगा। जी हाँ, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। देखिए इसमें जो प्रकार है, अब देखिए गुरु और पायल दोनों में तकरार हो रही है। पायल मासूम है, गुरु जवान हो गए, उनको गुरु हो गया। अब पायल गुरु से कह रही है, ha ha
अब पायल बोल दिया भूल गया मैं जो बैल के गले में होते ना मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उबले उबले हीरे मोती मेरे देश की धरती आपने किसकी आवाज क्या आ रही है आपने क्या आवाज आएगी बैल के गले में बेल के गले में घूंघ की आवाज कैसे आती है चारों तरफ छोटे घूंघ के बीच में बड़ा इतना बड़ा घूंघ होता है खेतों में अब उसके बाद कैसे आती है ताली एक मुरली बहुत सर आपने जो गाया बहुत ही अच्छा गाया और दिल से गाया ये नजर आता है पूरी टीम का एफर्ट भी नजर आ रहा है तो हमारे तकरीबन 1800 है जो आज से नाटी सरकार तक आया अब तक 1800 है मेरे तो मैंने रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड है और लाइव गिना है एक मेरा गाना है उसकी भी कॉपी की है लोगों ने आग का बच्चा बच्चा मेरे फादर का हुआ पंगा है जी नकुदर का बच्चा बच्चा लाडी शाह का हुआ पंगा है वो कंपोजिशन मेरी है और लिखा भी मैंने उसका म्यूजिक भी मैंने दिया है क्या बात है हाथ जोड़ बिनती करूं मैं जो कुछ मर्जी साई तुमको से दर्द पड़ी है वो सिका Thank you.
Oh, God.
संदर्भ और बाद में ही फर्क है। घर पे किस्मत बनाई जाती है, घर पे किस्मत बनाई जाती है और बाहर में बियर पिलाई जाती है। हाय हाय जी बिल्कुल ऑफ कोर्स जी। मैं चाहूंगा मेरे बच्चे गाएं। हाँ जी Oh
Thank you.
Yeah.
उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। अरे पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं वो हूँ उसने मुझे छूकर नहीं देखा, क्यों इतनी सी चीज कितना बड़ा काम कर गई, इतनी सी चीज ये नजर बड़ी सालिम नजर आंखों में नहीं आंख सकल में उतर गई, नजर छुप गई तो ये मिसरा भी मेरे हाथ का है, नजर छुप गई तो आया बन गई, नजर छुप गई तो दुआ बन गई, चुप ची हुई तो संभाल के रखिए जी, अपने साथ ही बिठाया देखो वकील भाई देखिए उनकी आंखों में काजल तो देखे कुछ Oh,
मजेदार और वाकई नजारे आ गए। माने एक देशभक्ति का कलाम, मैं चाहूंगा जितने हमारे इंडियन वहां पर हैं जी रहने वाले हैं जो इंडिया में आते हैं, ये उनके लिए मैं नज्र कर रहा हूँ, डेडिकेट कर रहा हूँ सभी को नजराने के लिए। जी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको ऑलरेडी हम लोग 3 घंटे हो गए। बाय द वे आप लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी देर से आप बैठे हैं। मैंने तो टीवी प्रोग्राम समझा थे तो कॉन्सर्ट निकल गई पूरी। इसी बहाने हमारे घंटों से लोगों की आने वाली 3 सदियां इस रूहानी सुकून का दिखाई। वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत ही कमाल, बहुत ही बढ़िया जो आप लोगों का टीम वर्क है। मुझे 3 घंटे के बाद एहसास हो रहा था अभी कि अभी शायद आप लोग गर्म हो रहे हैं, यू नो तो शुरुआत हुई है मुझे लगता है। तो वैसे कैपेसिटी क्या है गाने की, आप 5-5, 6-6 घंटे आराम से गा लेते हैं? कैपेसिटी की बात ये है कि मेरा ये मानना है कि अगर सुनने वाले 4 लाख पब्लिक में तो 4 लाख के बराबर। क्या बात, वाह भाई। और हम दोनों सरदार फैमिली से, तो कहते हैं सरदार 1.25 लाख का, तो 2.5 लाख तो हम दोनों सामने। और सरदार के मायने हैं असरदार। सही कहा, असरदार, सेवादार, ताबेदार, कुलबेदार। और मैं आपको बताऊं, मैं गुरुद्वारे जाता हूं, मैं जुड़ू की सेवा मैं देखता हूं, मुझे बड़ा बड़ा आनंद आता है जी। बिल्कुल, प्रसाद मिलता है, वो VIP वहां कोई नहीं है, अब एक ही लाइन में है हमने भी माई टीवी के जरिए से ये सेवा ही कर रहे हैं कि जो पुराने खानदान, पुराने सिंगर्स है, हम उनको आगे ले, ये हमारी तरफ से सेवा है हमारी कल्चर को, कि ये हमारे महारथी, असल में आप लोग महारथी हो संगीत के। कोई बताए कि 3 घंटे कोई ऐसे बैठ के दिखाए जैसे ये लोग बैठे हैं। हाँ। उनमें यंग जनरेशन भी है और उनमें बुजुर्ग, तो मैं मुझे नहीं कहना चाहिए, हम उम्र कह सकती हूँ। हैट्स ऑफ टू यू गाइस। हमारी त्वचा से हमारी उम्र का पता नहीं चलता, पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम फैरन हैंडसम लगाते। सही बात है। 10 मिनट सिर्फ 10 मिनट बजने वाला है, तो एक बज के एक मिनट सबका मालिक है, तो हम उसका काम करेंगे। और अभी हम गा रहे हैं अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए, हर मुल्क के लिए गा रहे हैं, हर एक कंट्रीज के लिए। ठीक है जी, ठीक है जी। जो एक बात दिल में तुमसे कम
Thank you.
भाइयों की शान है शामिल, Thank you.
Okay.
सुरों में ही फंसे हैं के लग रहे हैं सर इसकी वजह है ना
सारी दुनिया में नाम होता है, सारी दुनिया में नाम, दुनिया में नाम होता है, और गांव से काम होता है। सारी दुनिया में नाम होता है, बस गांव से काम होता है। क्यों इतना चुका ले खुद को, इतना चुका ले खुद को कि तुम्हारे दर की मिट्टी साल कर माथे से मरता हो। मेरे वाले का शेर है, तुम्हारे दर की मिट्टी साल कर माथे से मरता हो। क्योंकि जोड़ों की सेवा बहुत बड़ी सेवा मानी जाती है। लोग पॉलिश करके जूता रखते हैं, चाहे वो अमीर हो गरीब हो सेठ हो, जोड़ों की सेवा। कि तुम्हारे दर की मिट्टी साल के माथे से मरता हूँ, मरम कर रहा हूँ। Thank you.
Thank you.
ऑडियंस को नचाने पे मजबूर कर दिया, जो कभी नाचे नहीं, उन्होंने उनको गुरदास मान साहब को आपने चक्कों में नाचते देखा होगा, लेकिन गुरदास मान जी नमूदन में इनके रिदम पे मस्त हो गए। ये रमजान का महीना है, इसमें जब दिल से आप गाते हैं और खासकर जो आप लोग कलाम गाते हैं, अपने आप ताकत वहां से आती है सारी। और वाशिंगटन को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई जी। बिल्कुल वाशिंगटन, माय टीवी रेडियो को मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इंतखाब किया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू, ऑल फैमिलीज, यूट्यूब व्यूअर्स, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सबका, क्योंकि 3 या 3.5 घंटे ये कोई नॉर्मल इंटरव्यू नहीं है, ये कॉन्सर्ट है। माय टीवी की हिस्ट्री में सबसे बड़ा प्रोग्राम यही है सर। और अभी ये फर्स्ट शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी जब लॉकडाउन खुल जाएगा, पूरा स्टाफ आ जाएगा, फिर और मजा आएगा। अच्छा, अभी थोड़ा सा और आगे खिसकिए और हमें ये बताइए कि अगर आपको रीच करना हो कॉन्सर्ट्स के लिए या बाहर बुलाने के लिए, तो उसको आपको कैसे रीच कर सकते हैं? उसको आप एक काम करिए, आपके पास मेरा नंबर है जी, आप उसको अपने पास रखें, जब भी आपको लगे मेरी जरूरत है और वो सुनना चाहते हैं तो आप मुझे तकरीबन 2-3 महीने पहले आप मुझे इन्फॉर्म करें, क्योंकि मेरे शोज 2-2 महीने पहले बुक हो जाते हैं जी। बिल्कुल ठीक, अभी भी लॉकडाउन में आप यकीन करेंगे मेरे पास पटना से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, बंबई से लोग फोन आ रहे हैं कि गुरु जी जल्दी से लॉकडाउन खुले, गुरु जी जल्दी लॉकडाउन खुले, हम तरस रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। मैंने कहा बाबा आप सब मिलकर दुआ करें, भगवान अल्लाह ईश्वर सब पे रहम करें। बिल्कुल, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी पिंकी पारस का, क्योंकि उसके जरिए हम आपसे मुलाकात कर पाए। पिंकी
पारस के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि नाम पारस होने से बड़ी बात नहीं होती, उस नाम का असर भी होना चाहिए। क्या बात है, क्योंकि पारस के नाम में सबसे बड़ी खासियत है कि जिसको छूता है पारस वो सोना हो जाता है। देखो मैं बैठा सोना हो गया ना साथ में बैठ के। आप सोना भी होगा, सोना भी होगा, सोना भी होगा। क्या बात है। सो सर बहुत 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 शुक्रिया सभी का, जो एक ईच एंड एवरीवन फ्रॉम ताली टू बिहाइंड द कैमरा जिन्होंने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, क्योंकि 3.5 घंटे बैठना बहुत मुश्किल है। एक शख्स का शुक्रिया और करूंगा, मेरे छोटे भाई, मेरे भतीजे, मेरे दोनों बच्चे हैं, इरशाद इरशाद का, उनको भी अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह उनको भी हमेशा सब सब खुश रहे। थैंक यू सो मच। सो अब हम इजाजत देते हैं और बहुत जल्द फिर मुलाकात करेंगे किसी नए अंदाज में, क्योंकि ये तो ट्रेंड सेटर है, तो ये हर वेशभूषा में पाए जाते हैं। अगले सेशन में मैं आपको गजलें सुनाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, फिर मुलाकात करते हैं। लो जी मुलाकात करते हैं। सबनु साडे वालों सत श्री अकाल, रब रखा, रमजान अगेन सबनु मुबारक होवे, आपका भी सत श्री अकाल, रब रखा, और तुम्हारी खैर हो, तुम्हारा भला हो। थैंक यू जी, Thank you. Hi, my name is Kuldeep Gill. I'm broker of Sky Realty. The reason we are so successful, because client trust us. I've been doing this my whole life. My team is my wife, my office manager, and my agents. We look forward to earn your business, and we do speak your language. Thank you. Ram G Astrologer, everything begins with faith. We walk by faith, not by sight. Ram G is in the USA. Virginia offers reliable and practical astrology solutions to all of life's problems. Confidentiality promise. Phone number is 571-551-8142. Email is ramgastrologer@yahoo.com. Let's go.